Hello everyone, my name is Monalisa Patel and welcome back to my another vlog. तो आज के इस व्लॉग में मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि गांव में किस तरीके से नवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है और आज नवरात्रि का लास्ट दिन है. वैसे मैं भी फर्स्ट टाइम देखने वाली हूँ एंड तक का प्रोसेस. मुझे भी नहीं पता नवरात्रि के लास्ट दिन पे क्या पूजाएं होती है, किस तरीके से माता जी को विदाई दी जाती है. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गरबा फेस्टिवल गांव में कैसे होता है. चलो. और अब मुझे ड्रेस चूज़ करना है पर मुझे कोई ड्रेस अच्छी नहीं लग रही. लास्ट दिन पे क्या पहनूं, तो मुझे एक आइडिया आया. मैं काफ़ी टाइम से कबर्ट में मेरी मॉम का पुराना घाघरा चोली देख रही थी तो सोच रही हूँ आज उसे पहनूं. बट घाघरा थोड़ा भारी है तो फिर मैंने सोचा कि इस पर कुछ और पहनूंगी घाघरा और मॉम के टॉप को मैं पहनने वाली हूँ आज. बट वो काफ़ी पुराना है और कहीं कहीं जगह पे फट गया है तो मॉम मेरे लिए उस टॉप को थोड़ा मॉडिफाई करने वाले हैं. तो चलो फिर जल्दी से मॉडिफाई करते हैं. भाई देखिए एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, जो टॉप मैं पहनने वाली हूँ घाघरा चोली वो पापा ने मॉम को मेरे बर्थ के पहले लेके दिया था जब वो मुंबई में रहते थे. मतलब कम से कम ये 20 साल पुराना टॉप है यार. मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ मॉम का टॉप पहनने के लिए. वैसे थोड़ा फट गया तो मॉम मॉडिफाई करके देंगे, इसलिए भी एक्साइटेड हूँ कि किस तरीके से बनेगा. चलो फिर देरी किए बिना जल्दी से चलते हैं. जल्दी जल्दी चलो, जल्दी से गरबा भी तो खेलना है. बड़े फिटिंग से ने हां और यहां खाली हाल से ने हां नहीं यहां यहां पर जरा वधारे फिट छे ढीलो बदे ऊपर से नीचे ढीलो करन छे से ने. मने पेरी को तो ऊपर ऊपर आई एम कोरी ने गोला में पेर को से हाथ मेरा टॉप रेडी हो गया. बस थोड़ा सा यहाँ पर स्टिचेस मारने हैं बाद में रेडी. कैसा लग रहा है मम्मी? ये कितना साल पुराना होगा? तू भी नहीं होती तैयार. ओ शिट, मेरा बर्थ भी नहीं हुआ था, इतना पुराना है. ऐसे नहीं बहुत ही प्यारा लग रहा है. मेरा ड्रेस रेडी हो गया है. मॉम ने बहुत प्यार से और अच्छे से करके दिया है टॉप को न्यू मॉडिफाई करके. तो शाम को मिलते हैं अभी. बाय. अभी आरती का समय हो गया तो आरती करने वाले हैं. तो चला ये मेरी क्यूट और प्यारी प्यारी दीदी है, इनकी लड़की है, ये मेरे भाभी हैं. वीडियो कॉल से वीडियो कॉल ना थी व्लॉग से. ये सिमरन है, ये
सिमरन ये सिमरन है और ये हमारी बुइली है, ये बुइली है नाली लगा के शादी बनाते वीडियो फोटो बराबर तो मस्त फोटा आवेला रे के लिए लाइन में लगे सब लोग प्रसादी लेके हम लोग रिटर्न घर जा रहे हैं क्योंकि आधे रेडी होके ही गए थे हम लोग पूजा के लिए। आप लोग को और एक बात बता दूं, यहाँ पर गांव में जब भी नौरता होता है नवरात्रि होती है वो फ्री होती है, कोई भी फीस नहीं होती है वहाँ पर एंटर होने के लिए या वहाँ पर गरबा खेलने के लिए। तो ये गांव के नवरात्रि का सबसे अच्छी बात है। तो घर पे आ गए हम लोग, जल्दी से आधे रेडी हुए हैं, वो रेडी होके फिर जाते हैं। शीरो हम शीरो लेके आए शीरो के लिए। हेलो, तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, जल्दी से निकलते हैं, हम लोग गरबा खेलने के लिए लेट हो रहे हैं। चलो सिमो जल्दी चल, आज बहुत मजा आने वाला है। एक तो लास्ट दिन है गरबा का और वो भी साल में एक बार आता है। देखो मेरी बहन रेडी हो गई है। चलो फिर लेट्स गो। हम लोग पहुंच गए, गरबा ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। हम लोग थोड़े लेट आए, मतलब 10:30 बज गए।
सबसे फन पार्ट यही होता है गरबा के लास्ट पे, एंड में सभी लोग देसी डांस करते हैं और सभी लोग इतने मज़े से करते हैं क्या ही बताऊँ। आज गरबा के लास्ट दिन पर 5 लड़के आरती करने वाले हैं। शायद ये प्रथा है कि 5 लड़कों को आरती करनी है। गणपति गाए हर गाए हर मा ओम जय ओम जय ओम मां जगदम्बम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम मुरली काक्षाय मंगलायतनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। मात की जय। कौन लोकी कर ले एक बोल मैं फिर भी दे कर नाचता माता की मीठा से वाई कहता है नहीं वो ना वो रिश्ते का है ऐसा जहाँ नहीं दोनों दोनों के लिए संगुल है मैं पांच जन हुई गई थी क्या दूरते जो तो तरक मिलता दीवो मंत्र मिंत्र बोल दे रो पी फोटो
नवरात्रि के बाद का रूम का हाल। तो इस तरीके से हमारे गांव में नवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है। हमारे डांग में नवरात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है विदाउट एनी एंट्री फीस, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। सो इफ़ यू लाइक माय व्लॉग देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।